हाय, मैं नितिन, गुजरात इंडिया से। आज हम बात करेंगे, अपना ऑफलाइन ट्रेनिंग स्कूल चालू किया है गुजरात में, तो मेरे स्टूडेंट है, फिर अपने जमीर भाई है, एक दूसरा वाला है, कोई पूरा ऑफलाइन चल रहा है। ये कौन सा इश्यू में तुम्हारे हाथ में भाई? ये वन का है, ओमिनी वन। आईडी 9046। ओके समीर भाई, आप कौन सा इश्यू में ट्रेनिंग ले रहे हो? अभी 10 वाला ईसीएम है, शिफ्ट मारते शिफ्ट में लगता है ईसीएम। ये इसमें दिक्कत है, इंजेक्टर का पल्स नहीं आ रहा है। अभी मैं डायग्नोस कर रहा हूँ, इसमें भी दिक्कत हो सकती है और इस आईसी में भी दिक्कत हो सकती है। अभी मैं पूरा ट्रेस कर रहा हूँ कहाँ दिक्कत है बोल के। बराबर है, कौन सी आईडी वाला है? आईडी 40 वाला ईसीएम है ये। ओके गुड। देखो, पूरा स्कैनर के साथ, टूल्स के साथ हम ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इधर जो भी आएंगे, ये दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इधर जो भी आएंगे ईसीएम रिपेयर करना तो सीखेंगे ही सीखेंगे, ये तो 100% है। और इसके साथ सीखेंगे की कोडिंग और केटीएम में रीड एंड राइट कैसे करते हैं, और डेटा कॉपी और क्लोन कैसे करते हैं, और ईसीयू टेस्टर कैसे चलाते हैं। ये सब ए से जेड तक पूरी नॉलेज मिलेगी। और की कोडिंग और ईसीएम का तो मेन अपना पॉइंट ही है, ये तो सीख जाएंगे। और ईसीएम का जो मशीन है, इसको कैसे चलाएंगे। अभी हमने इसका ईसीएम रिपेयर कर दिया है, इसमें दिक्कत थी, अभी इसमें सॉल्व कर दिया है। अभी हम टेस्ट करेंगे ये ओके हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हम जेड टेन वाला सॉकेट लगा लेंगे। ये पहला कपलर हो गया और ये दूसरा कपलर। इतना आसानी होगी ईसीयू टेस्ट करने के बाद ये रनिंग है या नहीं है बोल के। गाड़ी में तो इधर गाड़ी होती नहीं है टेस्टिंग करने के लिए, इधर इजी हो जाता है टेस्टिंग करने के लिए। ये सॉकेट भी हुकअप कर दिए हैं। ये पूरा ऑटोमेटिक है, मेन रिले ऑन हो गया है और पावर सब, मेन रिले ऑफ है, पावर भी ऑफ है। अभी हम इसको ऑन करेंगे, पावर ऑन कर दिए और इग्निशन ऑन किए। टिक टिक की जो आवाज़ आती है, देखो एकदम बराबर आ रही है। डीआरवी में पावर सप्लाई भी आ गई, मेन रिले भी ऑन हो गया, चकलेट भी आ गई, ग्लो प्लग का लाइट भी आ गई और ईजीआर का भी ऑन हो गया। मेन अपने को यही था, इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, ये तीसरा नंबर का काम नहीं कर रहा था। अभी ये पूरा काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है।